सोनभद्र जिले में पुलिस विभाग की तरफ से यातायात जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में स्कूली बच्चों को भी जागरूक करने के लिए सम्मिलित किया गया। बच्चों को सड़क पर चलने, वाहन चलाने और अपने परिजनों द्वारा भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाने जैसी जानकारियां दी गई। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही बच्चों ने नगर में रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। सोनभद्र के राबर्ट्सगंज के आरटीएस क्लब ने यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के साथ ही स्कूली बच्चों ने सत्ता के अधिकारियों ने बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी के साथ ही बच्चों ने रैली निकालकर नगर के लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक ने बात करते हुए बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे अति आवश्यक सुरक्षा के संसाधनों का इस्तेमाल न करने के पीछे लोगों की जागरूकता का अभाव है, जिसके लिए यह जागरूकता कार्यक्रम पूरे महीने चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इन नियमों का पालन करें। देखिए, जैसा मैंने अभी बच्चों को भी बताया कि इससे दो आस्पेक्ट है, एनफोर्समेंट है, अवेयरनेस है। ये पूरा महीना जो है अवेयरनेस का भी है, एनफोर्समेंट का भी है, और ट्रैफिक रूल्स के बारे में समय समय पर लोगों को जागरूकता भी फैलाई जाएगी और एनफोर्समेंट भी कंटिन्यूस चलेगा। हमारा दोनों तरीके से प्रयास रहेगा और हम चाहेंगे कि स्थिति यहाँ पर सुधारी जाए।